Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to learn about active and passive voice. बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनकी डिमांड पे मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के, एग्जांपल्स लिखे हैं, कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं ताकि हम आराम से अपने एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर सकें. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में मैंने लिखा यहाँ पे इट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. हमें ये एक्टिव वॉइस हमें बताता है कि कोई पर्सन या कोई चीज क्या कर रही है. ठीक है, कोई भी पर्सन या थिंग क्या कर रही है हमें ये पता चलता है. इसका जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म करता है एक्शन को, जिसमें हम वर्ब मेंशन करते हैं जो ऑब्जेक्ट पे हो रहा होता है. ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट पे किसी चीज पे कोई काम हो रहा है वो हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में मेंशन करते हैं. दूसरी चीज यहाँ पे है पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, इट टेल्स अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग. हमें इसमें पता चलता है कि किसी चीज को या किसी इंसान को क्या हुआ है या उसके जरिए कौन सी एक्टिविटी हुई है या उसने कौन सा जो एक्शन है वो परफॉर्म किया है. ठीक है, और पैसिव वॉइस में हम ये भी देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा द सब्जेक्ट इज बींग एक्टेड अपॉन. मतलब इसमें क्या है कि हम सब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेन चीज होती है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट पे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसकी बात करते हैं. और पैसिव में हम क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर काम किया जा रहा होता है. ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट. यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्टिव अगर आपके पास कोई सेंटेंस है और उसको आपने चेंज करना है पैसिव में, देन यू हैव टू फॉलो सम रूल्स. रूल्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं. पहला रूल क्या है आपके पास, रूल नंबर वन इज ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट में चेंज करना है. ठीक है, क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज करना है. दूसरा जो रूल है वो क्या है, कुछ चेंजेस करनी है. कौन सी चेंजेस करनी है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी. ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड रूल है वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने मेंशन करनी है हमेशा जब आप पैसिव वॉइस की बात करते हैं. ठीक है, या जब आप पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस बनाते हैं, और उसके बाद डायरेक्टली आपने आग बंद करके बाय को जरूर मेंशन करना है. इसमें ये चीज तो मस्ट है. ठीक है, बाकी ये सारी चीजें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये जो चीज है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, ये तो आपने लाजमी पुट करना है. रूल नंबर फोर क्या कहता है कि भाई जो आपके पास सब्जेक्ट है उसको आपने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है. ठीक है, इन दोनों चीजों में, इन दोनों में, रूल नंबर वन और रूल नंबर टू में आपने कंफ्यूज नहीं होना. रूल नंबर वन क्या है कि ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बनाना है, और रूल नंबर फोर क्या कहता है कि जो सब्जेक्ट है उसको आपने ऑब्जेक्ट बना देना है, उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो चेंजेस हैं वो कौन सी चेंजेस हैं, हमें कौन सी चेंजेस करनी होती है अपने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सेंटेंसेस को. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चेंजेस हैं वो कौन से हैं, ये रहे. ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए वो है. पहले आप ये देख लिए कि कुछ चेंजेस थी जो वो कौन सी है. फर्स्ट आपके पास जो चेंज करना है वो क्या है कि जब आपके पास अगर ये कंडीशंस होंगी एक सेंटेंस में, मतलब एक्टिव वॉइस में अगर आपके पास ये सारी चीजें होंगी, तो आपने पैसिव में इन सारी चीजों पे फोकस करना है, इन सारी चीजों को मेंशन करना है. ठीक है, यहाँ पे पहली जो चीज है वो क्या है कि अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है या डू है या डज है, इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी चीज है एक्टिव वॉइस में और आप उसको पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपका सेंटेंस होगा उसमें आपने क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आपने सब्जेक्ट बना देना है. ठीक है, उसके बाद आपने ये चेंजेस करनी है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आपने देखा कि भाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हमने उसको यूज एम आर में चेंज करना होता है. अब फर्स्ट फॉर्म भाई कौन सी, कहाँ पे आपने यूज एम आर को मेंशन करना है, आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में बोलती हूँ ईट, तो ईट को आपको पता है कि मैं बोल रही हूँ कि ही ईट्स एन एप्पल. ठीक है, वो एप्पल खाता है, तो फिर मैंने यहाँ पे जब ही लिखा तो ही की वजह से मुझे जाहिर सी बात है यहाँ पे इज मेंशन करना होगा, हम एम और आर को मेंशन नहीं कर सकते. ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है या डिड है, तो इन दोनों की वजह से आपने जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा. वो क्या चेंज होगा, या तो आपने वॉज मेंशन करना है या आपने वर्ब मेंशन करना है. ठीक है, फिर एक और आपके पास जो चेंज है वो क्या है, विल है, तो आपने उसको विल बी बना देना है. अगर आपके पास विल हैव है, यू हैव टू चेंज इट इन टू विल हैव बीन. फिर अगर आपके पास हैव है, तो आपने उसको हैव बीन कर देना है. ठीक है, यहाँ से थोड़ा रब हो गया. ठीक है, अगर आपके पास हैव है, तो उसको आपने हैव बीन में चेंज करना है. हैज हैज बीन में चेंज कर देना है. हैड है, तो हैड बीन में चेंज कर देना है. ठीक है, लास्ट थिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई भी वर्ब है,
ठीक है, और उस वर्ब के साथ आपने आईएनजी मेंशन की है, या उसको हम बोल सकते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं ये फोर्थ फॉर्म होती है, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब में उसकी लिस्ट में फोर्थ फॉर्म होती है कि वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। तो ईटिंग अगर है तो आपके पास अगर वर्ब के साथ आईएनजी होगा तो आपने क्या करना है, यू हैव टू चेंज इट इंटू बींग, बींग लगा के आपने वर्ब के थर्ड फॉर्म और बाय को मेंशन करके अपना सेंटेंस चेंज कर लेना है, ठीक है। कि कौन कौन से ऐसे टेंसेज हैं जो के चेंज हो सकते हैं पैसिव वॉइस में, तो टोटल हमारे पास कितने टेंसेज हैं, हमारे पास टोटल टेंसेज हैं 12, ठीक। जो 8 हैं वो पॉसिबल हैं कि हम उनको चेंज कर सकते हैं एक्टिव टू पैसिव, लेकिन 4 ऐसे टेंसेज हैं जिनको हम एक्टिव टू पैसिव चेंज नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं होते, ठीक है। अब कौन कौन से टेंसेज हैं जो के पॉसिबल हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस आप चेंज कर सकते हैं, पास्ट सिंपल टेंस है तो वो भी चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो भी चेंज कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो भी चेंज हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये दोनों टेंसेज भी चेंज हो सकते हैं, फ्यूचर सिंपल भी चेंज हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी चेंज हो सकता है, ठीक है। बाकी जो आपके पास है कितने हो गए, 8 हो गए ना, ये देखें, प्रेजेंट सिंपल 1, पास्ट सिंपल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 आपके पास ऐसे टेंसेज हैं जो कि चेंज हो सकते हैं, और बाकी 4 ऐसे हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखें ये चेंजेस जो मैंने यहाँ पे मेंशन की, वो आप जो है इनको कॉपीज में लिख लीजिएगा, ताकि अभी हम जो प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की एक्टिव टू पैसिव चेंज करने में, तो आपने इन चेंजेस को, इन रूल्स को अपने सामने रखना है, कॉपी में साइड पे इनको लिख लीजिएगा, ताकि आप सेंटेंसेस को इजीली एक्टिव टू पैसिव चेंज कर सकें, ठीक है। कुछ ये चेंजेस थी और कुछ ये चेंजेस हैं, कौन कौन सी, कि अगर आपके पास शी है तो आपने उसको हर में चेंज करना है, अगर ही है तो यू गाइज हैव टू चेंज इट इंटू हिम, आई मी, यू यू में ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। दे को देम में चेंज कर देंगे, वी है तो हम इसको अस में चेंज कर देंगे। आई होप कि आपको ये जो सारे रूल्स हैं वो अच्छे से समझ में आए हैं। क्या रूल है, रूल नंबर 1 कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, यू गाइज हैव टू चेंज इट इंटू सब्जेक्ट। दूसरी चेंजेस क्या है, कि या तो ये चेंजेस होंगी, ये भी होंगी और ये भी होंगी, ठीक है। फिर रूल नंबर 3 क्या है आपके पास, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय आपने लाजमी मेंशन करना है, और रूल नंबर 4 क्या है, कि अगर आपके पास सब्जेक्ट है आपने उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ मैंने जो ये रूल्स और जो चेंजेस मैंने लिखी हैं, यहाँ से एक्टिव और पैसिव वॉइस की जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर, जिसको हम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ये मैंने मेंशन किए और इनकी मैंने डेफिनेशंस बताई हैं, इनको मैं रख कर देती हूँ, और यहाँ पे हम इन्हीं रूल्स को, चेंजेस को फॉलो करके अपने यहाँ पे कुछ टेंसेस को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो टेंस है कौन सा है, वो प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है। हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है जो वो चेंज हो सकता है, जाहिर सी बातें हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल दोनों चेंज हो सकते हैं ना, तो हम पहले प्रेजेंट सिंपल का जो टेंस है हम उसको लिखते हैं। सिंपल आपने एक सेंटेंस लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको टेंसेज अच्छे से आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी व्हेन यू आर चेंजिंग योर एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ये टेंसेज का आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले टेंसेज अच्छे से कीजिएगा, उसके बाद आप एक्टिव पैसिव के सेंटेंसेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं शी, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, शी गिव्स फंड्स, ये आपने क्या किया, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस लिख लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस टेंस को आपने चेंज करना है, ये एक्टिव टेंस है, ठीक है, ये एक्टिव है, तो आपने अब आप इसको क्या करना है, चेंज करना है पैसिव में। तो आपको क्या करना है, आपने रूल्स फॉलो करने हैं जो मैंने यहाँ पे लिखवाए, वो क्या है, सबसे पहला रूल क्या है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने सब्जेक्ट बनाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रूल नंबर 1 सेज के जो आपके पास सब ऑब्जेक्ट है उसको आपने सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है, हम क्या लिखेंगे, फंड्स, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि भाई चेंजेस करने, कौन से चेंजेस करने हैं, कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू है, डज है, तो इनमें चेंज करना है, सेकेंड फॉर्म है या डिड है तो इनमें चेंज करना है, विल है तो इनमें चेंज करना है। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये जो गिव्स है, ये गिव्स क्या है, गिव्स आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू डज तो इसमें कुछ भी नहीं है, डू जो आपके पास जो गिव्स है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आपने इसको चेंज करना होगा इज एम आर में, तो आपने देखा कि ये जो फंड्स है ये आपके पास प्लूरल एक वर्ड है, तो यू हैव टू पुट आर, फंड्स आर, ठीक है, चेंजेस हो गई। अब हमने क्या करना है,
ये थर्ड फॉर्म लिखनी है प्लस बाय लिखना है। थर्ड फॉर्म हमने किसकी लिखनी है? ऑफ कोर्स ये जो वर्ब है गिव, इसकी हमने थर्ड फॉर्म लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं फंड्स आर गिवन, क्या किया थर्ड फॉर्म लिख दी, बाय पुट किया फॉर्मूला जो हमारे पास रूल था उसके हिसाब से। और अब हमने क्या करना है, रूल नंबर फोर को फॉलो करते हुए हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, ये क्या है सब्जेक्ट, इसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, अभी तो रूल बताया, ये रहा शी है तो शी को हमने चेंज कर देना है हर में। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हर यहाँ पे लिख लेंगे, सेंटेंस क्या हो जाएगा, फंड्स आर गिवन बाय हर। ये सेंटेंस क्या था, शी गिव्स फंड्स। तो ये जो आपके पास सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, उसमें हमने क्या किया, ये आपके पास सेंटेंस था एक्टिव का, इसको आपने चेंज किया पैसिव में, सेंटेंस बन गया, बिल्कुल बन गया, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। इसके साथ हम एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक सेंटेंस हम कौन सा, पास्ट सिंपल का। फॉर एग्जाम्पल शी, इसी को हम चेंज कर लेते हैं, शी गेव, इसकी सेकेंड फॉर्म लिखी शी गेव फंड्स। अब हमने इसको, ये हमारे पास है एक्टिव वॉइस, ठीक है, वी नीड टू चेंज इट इनटू पैसिव। व्हाट वी विल डू, वी विल फॉलो दीज रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेंज दिस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, वी कैन राइट हियर फंड्स। नेक्स्ट क्या करना है, हमने चेंजेस करनी है, कौन सी चेंजेस करनी है, ये वाले। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना गेव, हमने गेव को चेंज करना है वॉज या वर में, फंड्स वर, क्यों, क्योंकि प्लूरल है ना, अगर फंड होता तो वॉज लिख देते हम। ठीक है, फंड्स वर। आगे हमने क्या करना है, इसका जो रूल नंबर थ्री है कि भाई हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय लिखना है। गेव की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, गिवन, फॉर्मूला बाय, प्लस हमने क्या करना है, शी है, चेंज करना है हर में, चेंज हो गया, क्या लिखा हमने, फंड्स वर गिवन बाय हर, पैसिव में चेंज हो गया। तो आपने इस तरह से अपने सारे सेंटेंसेस को चेंज कर देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। तो नाउ वी हैव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस हम दोनों के यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये है पास्ट कंटिन्यूअस, दोनों सेंटेंसेस को हमने चेंज करना है। यहाँ पे हम पहले सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या वही वाला ले लेते हैं ना हम, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं शी वॉज गिविंग फंड्स। ठीक है, इनको हम कैसे चेंज करेंगे, हमने क्या करना है, रूल नंबर वन फॉलो करना है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज करना है, ये ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट बना देना है। फंड्स चेंजेस क्या करनी है कि भाई अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हमने चेंज करना है किस में, बीइंग में। अच्छा सॉरी, पहले हमारे पास हमने देखा कि कुछ चेंजेस करनी है, कौन सी चेंजेस करनी है कि भाई हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अगर, ठीक है, तो हमने फंड्स आर यहाँ पे क्या किया, वर्ब के साथ क्या है आई एन जी, इसको हमने चेंज करना है बींग में, बींग, ठीक है, थर्ड फॉर्म लिखनी है बाय लिखना है, बींग गिवन बाय हर। ठीक है, इसको चेंज किया ना हमने, रूल नंबर फोर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमने सेंटेंस बना लिया फंड्स आर बींग गिवन बाय हर, सेंटेंस ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं शी वॉज गिविंग फंड्स, फंड्स वर, क्यों, क्योंकि पास्ट है, फंड्स वर बींग गिवन बाय हर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सारे सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं एक्टिव टू पैसिव विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स एंड दीज चेंजेस। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ आपके लिए कि ये जो आपके पास टेंसेज हैं टोटल हैं 12, ठीक है, 12, हमारे पास जो 8 हैं वो पॉसिबल हैं, बाकी जो 4 हैं वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कौन कौन से टेंसेस पॉसिबल है वो मैंने यहाँ लिख दिए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, 6 हो गए, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट, बस यही टेंसेज हैं जो कि पॉसिबल हैं, बाकी जो 4 हैं वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
फिर हमने देखे कि कुछ रूल्स थे, कौन कौन से रूल्स थे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, चेंजेस करनी है। अच्छा, रूल नंबर 3 है, वो आपने क्या है हमेशा याद रखना है कि भाई थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। स्टूडेंट गलती करते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, हम पैसिव में भूल जाते हैं। ठीक है, आपने नहीं भूलना, बहुत ईजी है कि थर्ड फॉर्म प्लस बाय लाजमी हम यूज करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो आपने उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, मैंने वो कुछ सेंटेंसेज हैं, कुछ 4 टेंसेज के साथ आपको सेंटेंसेज लिख के उनको चेंज करके भी मैंने लिखा दिया। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ यू गर्ल्स हैव टू मेक सेंटेंसेस विद दीज टेंसेस, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आपने खुद जो है सेंटेंसेस आपने सोचने हैं, सिंपल सा एक सेंटेंस सोचें, इन रूल्स को, इन चेंजेस को फॉलो करके आपने अपने एक्टिव टू पैसिव चेंज करके सेंटेंसेस को लिखना है कॉपीज में, और कमेंट करके लाजमी मुझे बताना है कि आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं, और आपने कुछ एग्जाम्पल्स भी कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफिज़।